के लिए मटन बारीक काट के अच्छे से धो के मटन, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से 4 सीटियों तक उबाल के निकाल लीजिए। बारीक कटी हुई टमाटर 6 से 8, आपको जितने चाहिए उतने ले सकती है, और 5 से 6 कटे हुए हरे मिर्च, तहारी के लिए बारीक कटा हुआ प्याज, कूटा हुआ इलायची, कूटी हुई ब्लैक पेपर काली मिर्च, 4 लौंग, 2 दालचीनी चकला, 4 तेज पत्ते यानी के पुलावेले। कुकर गरम होने के बाद में 6 से 7 चम्मच ऑयल, तेल गरम होने के बाद में 4 लौंग, दालचीनी, इलायची, तेज पत्ता, बारीक कूटे हुए काली मिर्च और प्याज अच्छे से फ्राई कीजिए। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छे से फ्राई कीजिए। गोश्त को डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, 2 ग्लास पानी भी डाल लीजिए। कुकर का लिड क्लोज करके 5 सीटी होने तक वेट कीजिए। मटन अच्छे से गल चुका है, बारीक कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च अच्छे से मिक्स करके इनको भी 2 विजल ले लीजिए। 2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, लिड क्लोज करके फिर से 2 सीटी ले लीजिए। ग्रेवी रेडी है, चावल के हिसाब से पानी भी डालना चाहिए। हम 3 पाव लेके चावल 2 लोटा पानी ऐड कर रहे हैं। ये अच्छे से उबालनी चाहिए, उबालने के बाद पानी पक चुका और पानी दोनों पक चुके हैं। 2 घंटे से भीगा हुआ चावल पानी और ग्रेवी में डाल रहे हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना पानी में ऐड कर रहे हैं। घर का गरम मसाला 1/2 स्पून ऐड करने के बाद में अच्छे से मिक्स करके स्वाद अनुसार नमक डाल के सब अच्छे से मिक्स करके लिड क्लोज करके 1 सीटी विजिल होने तक छोड़ दीजिए। ये रहा तहारी रेडी, नीचे से ऊपर तक अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये रहा मटन तहारी रेडी टू ईट।